अच्छाई ने हमेशा की तरह मेरा साथ दिया, और धरती लोक हो या माया लोक, जब जब बुराई ऊंचा सुनाई देने लगा क्या? अरे तामाजी, आप कब आए? आवाज कम हो जाएगी टीवी की। अरे आवाज की क्या बात कर रहे हो, मैं टीवी बंद कर देती हूँ। लो लो, मुझे पता ही नहीं चला। अरे क्या हुआ मम्मी, टीवी क्यों बंद कर दिया? अरे वो दामाद जी को दिक्कत हो रही थी। मैंने आवाज कम करने को बोला था, टीवी बंद करने को नहीं। अरे तो कहाँ थी आवाज टीवी की ज्यादा? तो क्या गूंगी फिल्म चल रही थी यहाँ पे? दामाद जी आप गुस्सा क्यों हो रहे हो? तो क्या करूँ, बोलिए क्या करूँ? क्या करूँ क्या मतलब, अभी अभी ऑफिस से आए हो, थोड़ा आराम करो, पानी पियो, और कुछ नहीं तो बाहर जाके सैर कर रहा हो, अच्छे अच्छे फूल खिले हैं। अच्छा मैं सैर पे जाऊँ और बाकी लोग यहाँ क्या करेंगे? बाकी में बचा ही कौन है, मैं और मम्मी तो है, हम दोनों बैठ के टीवी देख लेंगे। क्यों मम्मी? टीवी कोई नहीं देखेगा आज। क्यों दामाद जी, क्या हो गया? हुआ ये है कि आज इंडिया ऑस्ट्रेलिया का 2020 मैच है, तो जिसको शहर पे जाना है वो जाए, लेकिन रिमोट मेरे हाथ में देके जाए। मैच है, मैच जब कल रिपीट आएगा ना तब देख लेना। क्यों, तुम क्या देखोगी? वो ससुराल सिमर का मैना। पहले अपनी बेटी का ससुराल देख लो, आप ससुराल सिमर का देखेंगी। क्यों, क्या दिक्कत है मेरे ससुराल में? दिक्कत तुम्हारे ससुराल में नहीं, दिक्कत जो मेरी बेटी में है, ये कहना चाहते हो आप? हाँ हाँ, सारी दिक्कत तो मुझे में ही है। तुम तो दूध के धुले हो ना, 10 मिनट हुए नहीं दफ्तर से आए हुए, और छोड़ने लगे गोला बारूद। मैं छोड़ रहा हूँ गोला बारूद? और नहीं तो क्या दामाद जी, वो तो अच्छी खासी पानी लेकर आई थी आपके लिए, लेकिन आप है कि बिना बाजा बजाए रह नहीं सकते। चुपचाप मेरी प्यारी सी भोली सी मम्मी टीवी देख रही थी, वो भी देखा नहीं गया तुमसे। तुम टीवी देखो, तुम्हारी मम्मी टीवी देखे, तुम्हारा भाई टीवी देखे, ये टीवी सरकारी है क्या? क्यों, इसमें सरकारी वाली क्या बात आ गई? हाँ अब आपके घर में कोई आएगा तो क्या टीवी नहीं देखने दोगे आप? नहीं देखने दूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं देखने दोगे, तुम्हारी चलेगी क्या बस? एक मिनट, अब चलने चलाने की बात कहाँ से आ गई, चुप कर तू भी। देखिए दामाद, कहाँ से देखूं, जब आपसे छुटकारा मिलेगा तब देख पाऊंगा ना ये टीवी। इसमें छुटकारे वाली बात कहाँ से आ गई अब? और नहीं तो क्या, जब पता था आज मैच है तो क्या जरूरत थी सीरियल लगा के बैठने की? ओहो दामाद जी, आप तो बच्चों की तरह नजर पर अड़ गए हो, मैच ही देखना है ना आपको, मैच ही देखना है, आराम से देखो आप, ये लो रिमोट। ऐसे कैसे देख लोगे मैच? तो क्या पैसे लोगी तुम मुझसे? नहीं, तुम पहले मेरी मम्मी से माफी मांगोगे फिर लगाने दूंगी। एक ग्राम विकास अधिकारी कभी माफी नहीं मांगता। तो एक ग्राम विकास अधिकारी की बीवी भी ऐसे नहीं मानती। अरे अब तू ही झुक जा, दे दे रिमोट, तुझे पता तो है ये अड़ियल है। हाँ हाँ मैं ही तो अड़ियल हूँ, आपकी बेटी तो गाय है। तो हूँ नहीं क्या, जाओ जाके पूरे मोहल्ले में पूछ लो, किसी ने आज तक मेरी तेज आवाज भी नहीं सुनी होगी। जब सारा लाउड स्पीकर दिन भर घर में ही बजेगा तो मोहल्ले में आवाज कहाँ से जाएगी? नहीं नहीं दामाद जी, यहाँ आप गलत हो, सुबह से मेरी बेटी शांत बैठी हुई थी, लेकिन आपने दफ्तर से आने के बाद ना घर में लड़ाई शुरू कर दी। मैंने शुरू करी लड़ाई? और नहीं तो क्या, मैं भागी भागी आई थी किचन से तुमसे भिड़ने के लिए, बेचारी बिना बोले आपके लिए पानी लेकर आ गई। हाँ 30 साल से पानी ही तो पिला रही है आपकी बेटी। क्या मतलब पानी पिला रही हूँ? आप ये कहना चाहते हो कि मेरी बेटी ने आपकी नाक में दम कर रखा है? आप तो बिना बोले सब समझ गई। समझ तो मुझे भी बहुत कुछ आता है, लेकिन तुम्हारी तरह मेरी आदत नहीं है ताना मारने की। क्या समझ आ रहा है तुम्हें? यही कि आपको मैं फूटी आग नहीं सुहाती। जब आपको सब पता है तो अपनी आदत क्यों नहीं सुधार लेती हो आप? पहले तुम अपनी आदत सुधार लो, घुमा घुमा की बात क्यों कर रहे हो? अगर मेरी मम्मी पसंद नहीं है तो सामने क्यों नहीं बोलते? अब क्या संसद में पास कराऊं तब मानेंगी क्या ये? ना 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 ना, इतना कष्ट ना उठाएं आप, पहले ही थोड़े में बहुत ज्यादा कह चुके हो आप। और सुन लो, अगर मम्मी हमारे घर नहीं आएंगी ना तो मैं हफ्ते में 3 दिन मायके रहूंगी, सोच लो, मंजूर है? बाकी के 4 दिन यहाँ रह के एहसान क्यों कर रही हो, रहो पूरे 7 दिन माँ। तो आप क्या चाहते हो कि परमानेंट मेरी बेटी मायके में आ जाए क्या? यही तो चाहती है आपकी बेटी। हाँ हाँ सब कुछ तो मैं ही चाहती हूँ ना, तुम तो कुछ चाहते ही नहीं हो। हाँ मैं चाहता था ना आराम से आके घर पे मैच देखना, जो कि तुमसे हुआ नहीं। अरे तो मैंने कब मना किया, ये लो रिमोट देख लो मैच, मैच ना हुआ रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया। मैं पागल हूँ ना जो इतने शोर शराबे में अपना बेहतरीन मैच खराब कर दूँ? तो आप क्या बेसमेंट में जाने का इरादा है आपका? एक ग्राम विकास अधिकारी के घर में बेसमेंट नहीं होता। अरे बेसमेंट और टेरेस को छोड़िए, सबसे पहले अपने घर में शांति बनाइए, उसकी सख्त जरूरत है आपको। अरे मम्मी वो इस जन्म में नहीं होगा, क्योंकि ये आदमी पैदा ही विश्व युद्ध के दिन हुआ था। और तुम उस दिन पैदा हुई थी जिस दिन हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम फेंका गया था। अपनी मम्मी के सामने ज्यादा बढ़ के मत बोला करो, जा रहा हूँ अपने कमरे में मैच देखने, 4 6 अच्छे आइटम बना के ले आना, समझी? अरे 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 टीवी कहाँ लेके जा रहे हो? जा रहा हूँ मैच देखने। हे भगवान ये आदमी। अरे मम्मी अब तुम? जा रही हूँ मैं, अभी तो टाइम है और रैया की बस मिल जाएगी, और इनसे कहते ज्यादा ड्रामे ना करें, यहाँ चुपचाप बैठ के यहीं देख लें जो देखना है। अरे मम्मी सुनो ना, अरे मेरी बात तो सुनो, कहाँ जा रही हो, क्यों दे रही हो इतनी तवज्जो? चली गई मम्मी। अरे ले आओ अपना प्रोजेक्टर और देख लो मैच, हो गया कलेजा ठंडा, पड़
चाहता था ये आदमी।